हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं पालक और अरहर दाल मिक्स करके दाल बनाने जा रही हूँ। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देख सकते हैं दाल कितना परफेक्ट बना है। आगे की वीडियो रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पालक ले लिया है। पालक को धो के अच्छे से कट करेंगे और यहाँ पे अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट बनाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पालक ले लिया। इसे हम बारीक बारीक से काट लेंगे, एकदम पतला पतला। इसी तरह से दो तीन बार काटना है इसको, जिस तरह से मैं काट रही हूँ इसी तरह दो तीन बार काटना है। उससे क्या होगा ना कि एकदम बारीक बारीक कटेगा, अच्छे से पतला कटेगा। देख सकते हैं, आपको भी इसी तरह से कट करना है। इस तरह से कट कर लेंगे तो इसको मैश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, एकदम अच्छे से गल जाएगा पालक। पालक को मैंने अच्छे से देखिए बारीक कट कर लिए हैं। इसे हम थाली में रख लेते हैं। यहाँ पे मैंने अरहर का दाल ले लिया है। इसे अच्छे से धो के अब कुकर में डाल देते हैं। यहाँ पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे यहाँ पर। हल्दी डाल दें, नमक स्वाद अनुसार, एक टमाटर काट के डाल दिए थे। अब पालक डालेंगे। पालक डाल के इसको चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे। मिला के इसमें ढक्कन लगा लेते हैं, 3 से 4 सीटी लगने देंगे। यहाँ पे 3 से 4 सीटी लग गया है। अब गैस को ऑफ कर देंगे। देख सकते हैं कितना अच्छा पालक दाल बना है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। दाल पालक बन के तैयार है। अब तड़का लगा लेते हैं। तड़का लगाने के लिए गैस पे करछुन चढ़ाया है। सरसों का तेल डालेंगे, जीरा डालेंगे, साबुत एक लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा हींग डालेंगे। हींग से क्या होगा ना, इसका फ्लेवर अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर मैं तड़का लगा लेती हूँ। तड़का लगा के इसे 1 सेकंड के लिए ढक देना है। देखिए कितना अच्छा तड़का लग चुका है, परफेक्ट दाल बना है पालक दाल। आप लोग भी बना के एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चे भी बहुत अच्छे से खा लेंगे। दाल पालक बनकर तैयार है। आज का मेरा रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। न्यू आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ जी, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फिर अगले नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।